गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा सा ख़राब है, ऊपर से आज मैंने जो मेरी पैर पे मैंने गर्म पट्टी बांधी थी, मैंने रात को निकाल दी, क्योंकि मुझे ना बार बार कभी वॉशरूम में जाना है, मतलब कभी पैर मेरे गीले हो रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, क्योंकि बच्चे के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पट्टी बांध के रखो तो वो इतना पॉसिबल नहीं था। कल तो चलो ठीक है क्योंकि मैं बाहर थी, तो फिर वहाँ पर चलना फिरना ज़्यादा, तो वहाँ पर ज़्यादा पैर पर मेरा प्रेशर आया था, फिर मैंने बांध के रखी, मैंने रात को निकाल दी, फिर उसके बाद नहीं की। और ना कल हमारे ताई जाए थे, मम्मी के फ्रेंड है रुकमन ताई, तो मैंने उनको बताया कि मैं ना गिर गई थी ऐसे ऐसे करके, तो ना उन्होंने मेरे पैर को ऐसे मालिश करी, मेरे को ऐसा लगा मैंने कहा मैं उनसे पैरों की मालिश करवा रही हूँ, बट उन्होंने मेरे को ऐसे अच्छे से मसाज की पैरों की। मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो रुकमन ताई, अभी मम्मी से उनका बहुत प्यार है, जैसे मम्मी के पास हमेशा आते हैं वो, तो ना उसके बाद मेरे पैर को इतना रिलीफ मिल रहा है ना, जैसे मतलब उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पैर में ना मांस फट गया है अंदर से, पूरा पैर ना से लाल लाल हुआ है। अब मैं पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं बस गर्म पानी में थोड़ी देर पैर डिप करके ना तब बैठूंगी, फिर अच्छा रहेगा। मैं क्या मिकी माउस वाला की रिंग लेके आई थी। नहीं, मम्मी देखो अब थोड़ा वो हो गया ये, पर इसकी वजह से कुछ भी लगाते हैं ना इसे एकदम से बहुत जलता है, बालों की हालत बहुत ख़राब हो रही है ना, बट आई थिंक ऐसे आई फील कि पहले से बाल ना बेटर हो रहे हैं, अभी ऐसे सारे बाल हैं ना, अब मेरे ओरिजिनल जैसे मेरे कर्ल्स कर्ल्स वाले बाल थे ना, हल्के से वेवी से बाउंसी से, मतलब ऐसे देखने में बाउंस है वैसे हल्के हैं, बट पहले ऐसे बाल अब आने शुरू हो गए। अब डेली हेयर ऑयलिंग किया करूँगी ना, अब तो कुछ बिजी चल रहे थे ना, जैसे हमारी हेयरिंग चल रही थी, फिर उसके ऊपर से बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई, तो उनमें टाइम मिला ही नहीं अपने आप की भी केयर करने का। अब करेंगे केयर तो क्या यार, घर के काम करने का टाइम नहीं मिलता था, अभी सुबह सुबह घर के काम करें, बीच में कहीं से कॉल आ रहा है उधर भागो, कहीं से कॉल आ रहा है उधर भागो, पूरा दिन बात 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 फ़ोन 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 करते रहो, बहुत बुरी हालत हो गई थी, फ़ोन यार ज़रूरी भी थे। अभी आ चुका है, अभी दूध करते हैं गर्म, और वो वाला फुटबॉल है जो मैं नया लेके आई हूँ, फुटबॉल तो मैं लेके आई हूँ, मैंने सोचा कि बेटी तेरी इधर टांग टूटी हुई दुकान से फुटबॉल खेलेगी, बट वही है ना जब डिमांड आई है कि साथ में खेला जाए तो थोड़ा बहुत पैर तो मारना ही पड़ता है। ये लो फुटबॉल, अपना फुटबॉल। हम लोग रात को नीचे सो रहे थे तो ऊपर का कुछ भी नहीं हो पाया, काम वगैरह कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि मैं आपसे बात करूंगी, उन्होंने मेरे को शाम को मैसेज किया था कि प्रीति बात करना, तो मैं भूल गई बात करने का। रात को मुझे इतनी नींद आई, मतलब इतनी मुझे रिलैक्सिंग नींद आई, जैसे कोई टेंशन नहीं थी कि सुबह कहीं जाना नहीं है, स्कूल तो जाना है बट वो तो पास में ही है, बाकी मुझे मेरे माइंड में कोई टेंशन नहीं, मैं सुबह उठ रही थी आज कहीं जाना तो नहीं, कुछ काम तो नहीं है, फिर मैंने कहा कन्फर्म कर लिया कुछ काम तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं, क्योंकि इतने दिनों से ना बस यही चला था, इधर जाना है उधर जाना है, ये काम करना है वो काम करना है, तो फाइनली आज हमें कहीं नहीं जाना, बस भगवान जी आज कहीं जाना भी ना पड़े, क्योंकि घर का ना पूरा काम छूट जाता है, क्योंकि इतने दिनों से हम जा रहे हैं इधर उधर भागम भाग लगी हुई है, तो कुछ काम नहीं हो पाता था। ऊपर से भगवान ने रेस्ट दे दी कि प्रीति तू घर को ही करती रहती, ये करना है वो करना है, तू आराम कर थोड़े दिन और अपने पैर की टेक केयर कर। पानी जा रही हूँ ऊपर यार, बुरी हालत हो रही है, चाचू को मैंने आज बुलाया तो वो काम करें, बट फिर भी कभी मैं नीचे भाग रही हूँ कभी ऊपर, मुझे ऐसा लगता है मेरा पैर ना से भाग भाग के ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर टिक के बैठा नहीं जा रहा यार, इतने मुश्किल से ना ऊपर वाले घर का मैं काम करवा रही हूँ, तो नीचे वाला तो देखते हैं बाद में, पहले मैं ऊपर का झाड़ू होके बस पोछा करना है, अब उसके बाद थोड़ा बहुत मैं और क्लीनिंग करवाऊँगी, सो दैट ऊपर वाला घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और मम्मी नीचे हैं, हम थोड़ी देर रुक के थोड़ी सी चाय बनाएंगे बस। बाहर भी हो गया हमारा सारा झाड़ू पोछा, एकदम बालकनी साफ हो गई है, और ये कपड़े धुलने वाले हैं, इधर भी हमारा सारा अच्छे से हमारी सफाई हो गई है। ये वाला रूम ना हमारा सारा बिखरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट से इसका कनेक्शन होना है बेड के साथ, इधर से भी होना है,
तो इसीलिए बेड बिल्कुल साथ में लग जाएंगे। एंड ये टो देखो, हाँ ये जोड़े तो हैं कुछ साथ में, बटे देखो पूरी तारी तारी दिख रही पड़ी है, तो साथ में लग गया, एकदम साथ में जुड़ेगा फिर बेड अच्छा होगा। तो इस रूम को हम बंद ही रखते हैं। फिर ये मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा अच्छे से हिल रहा है, देखो बेड। चलो देखते हैं, यहाँ भी लग जाएगा लैम्प, और इसमें से हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया, बस एक पड़ी है, और ये गद्दा भी उठाया, सब उठाया है। यहाँ पर झाड़ू पोछा आगे आगे किया, बाकी पीछे जब सारा काम होगा तब करेंगे। और इसका सारा सामान निकाल के हमने रखा है इधर, बाकी सफाई होगी पूरी। उधर का भी दरवाज़ा खुला, इधर का भी, इधर का भी सारे दरवाजे मैंने खोल दिए। लाइट बंद करते, बस रूम सेट करना है, थोड़ा सूख जाए उसके बाद। पीछे डाले हमने कपड़े सुखाने के लिए। मैंने रात को वॉशिंग मशीन लगा दी थी, तो उसी में मैंने रात को धुल दी थी। मम्मी ने सुबह उठ के फटाफट से सारे सुखाने के लिए डाल दिए, और हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही रहा है। हमने देखो पीली सरसों और वाइट सरसों वाले फूल लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे इसमें अभी ना बच्चों के फाइनल पेपर भी है, जो छोटी क्लासों के हैं, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं। और यहाँ पे ना ऐसे दिनों में ना हम कनक के बनने में बैठ के अपनी पढ़ाई की तैयारी, मतलब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते होते, तो बड़ा अच्छा लगता होता था हमें। और ये सामने बन रहा है एक नया घर, कंस्ट्रक्शन जब होती है ना बड़ा हालत ख़राब होती है, काम 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 काम। ये तो चलो इनका घर कहीं और है, यहाँ पे बन रहा है, बट अगर घर में रहते हुए कंस्ट्रक्शन करवाना हो दैट इज़ लाइक बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट। चलो फिर भी बन गया घर, अब अच्छा लग रहा है। पूरी सफाई करनी है मुझे, किसी दिन सोच रही हूँ बाहर से सारे शीशे साफ़ करने हैं, ये सारा साफ़ करना है, बहुत सारा काम करने के लिए पड़ा है, बट अभी धीरे धीरे सारा करूँगी। ये सारा गद्दा मैंने बाहर धूप में बांध के रख दिया, और ये कपड़े नीचे लेके जाऊंगी वॉश करने के लिए। मैंने जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट किया है, इसके बाद मैं थोड़ी देर रुक के पीऊँगी चाय। पहले मैंने सोचा कि चाय पीऊँगी जल्दी, अभी सोच थोड़ी देर रुक के पीऊँगी। और आज मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल भी ऐसी ठंड नहीं लग रही है, एकदम अच्छा मौसम है। जैसे वो शिवरात्रि वाले दिन में होता है ना मौसम, शिवरात्रि भी खैर आने वाली है। कितने तरीके हैं शिवरात्रि आप मुझे कमेंट करके बताना, 5-6 की नहीं आप बताना कितने तरीके हैं शिवरात्रि। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, और हम जिस होटल में रुके थे ना वहाँ के उनका फ़ोन आया था, मैम का जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, तो बोलते कि मैम आपके ना बेर रह गया, कीवी रह गया है, और आपके कुछ और फ्रूट्स रह गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बाप उनको रख लो, तो उन्होंने बताया हमें फ़ोन करके। आजकल हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े ट्रॉली मिक्सचर मशीन पता नहीं क्या क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो पूरा दिन ऐसे रौनक लगी रहती है पूरा दिन। और अब ना थोड़ा मौसम खुल गया ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी सारा काम उन फिनिश करके मैं अपना थोड़ा सा ऊपर में ज़्यादा अपना वो टाइम दूँ, और वहाँ पे मैं अपना पूरा सेटलमेंट करूँ कि चलो एटलीस्ट मैं, वैसे तो हम सब खाना इकट्ठा बना रहे नीचे, बट अगर थोड़ा सा हो जाए तो मैं खाना अपना ऊपर सुबह सुबह जल्दी से प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मेरा जो ऊपर का काम है वो साथ वाला रूम है ना, बेडरूम है, वहाँ पर जो तारें वगैरह बिखरी पड़ी, सारा बेडरूम का सामान मैंने बाहर रखा है। भैया आके वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद मैं बेड सेट कर सकती हूँ, उसमें सामान डालना है, बहुत काम है। साथ का सारा सामान ना सोफे पे पड़ा है, उसका सारा सामान ना सोफे पे पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ना कुछ भी नहीं हो पा रहा। और अपनी मैं अलमीरा को सेट करने के लिए तो मुझे पूरा एक दिन चाहिए, एक दिन मतलब 2-3 घंटे आराम से चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे मुझे पता है। तो इसलिए मैंने मेन अपना फोकस चौक मैंने फोकस अपना पूरा बाकी चीज़ों पे रखा हुआ है कि किचन वगैरह का हो जाए, बाकी झाड़ू पोछा के मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। मैं आराम से अपना काम करूँगी थोड़ी देर रुक के, और बस अब धीरे धीरे सारा कुछ सेट हो जाएगा। मौसम तो चेंज हो ही रहे हैं, तो अब मौसम काफ़ी खुल भी गया है, वैसे ठंड का भी कुछ नहीं है। एक किचन में मुझे गीज़र लगाने के लिए हमने ले लिया है, बट वो लगा ही नहीं क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिशियन भैया आए नहीं हैं। हम बना रहे हैं पनीर का पराठा, आज मैं बना रही, पहले मम्मी और अंकल बनाते थे स्पेशली पराठे, तो अंकल ही बना रही थी काफ़ी टाइम से, आज मैं बड़े दिन के बाद खुद पराठा बना रही हूँ। बस एक ही पराठा बनाएंगे, बस हमारी तितली चल पड़ी, मम्मी इसमें डलवा ली सेल।
बारिश लग गई बाहर कितनी तेज। बारिश होना शुरू हो गया और मम्मी के कपड़े भीग रहे हैं, फटाफट से उठाते हैं। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना अभी, क्योंकि सुबह से ना मैं अपना काम में बिजी थी और फिर जैसे ही मुझे टाइम लगना था मैं वैसे नहाती। और यार मैं अपना ना पैर पे ना पूरा प्रेशर देने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऐसे लगता है कि पैर पे प्रेशर देके मैं चलूँगी, बट जैसे मैं पैर सीधा करती हूँ ना एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है कि मेरा जैसे पैर सीधा करूँगी मेरे बीच में से कोई नस ऐसे घूमती है, तो वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। और मैं आई हूँ ऊपर, यार मंजी नीचे गिर गई है, ओ गॉड। इसको ऐसे रहने दें, हवा में ना बहुत उड़ रहा है सामान आज हमारा। हाँ मम्मी ने इधर से खोला हुआ है क्या? आज मैंने वैसे ही खोल के देख लिया, मम्मी ने इधर से खोला हुआ था ऊपर। यार मैं हम लोग कल नीचे सोए थे क्योंकि मेरे पैर की हालत ख़राब थी, तो फिर बार बार नीचे से ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम नीचे सो गए थे और मम्मी ने देखो यहाँ की खिड़कियाँ हाँ बंद कर दिए। यार नीचे देखा ताई जी के वेड़े में कितने सारे फूल गिरे हुए हैं लाल लाल से। मैंने कहा ये लाल लाल क्या है, इतना सारा फूल गिरे हैं बहुत सारे। ये देखो इधर ये वाले पेड़ के कितना सुंदर नज़ारा है, सब तरफ हवा हवा बस, बट देखने में अच्छी लग रही है शीशे के अंदर से, क्योंकि जब आप एक्चुअल में देखोगे ना बाहर जाके हवा को तो ऐसा लगता है मतलब अच्छे नहीं लगता, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ती है और एकदम से अजीब सा होता है, पूरा फेस भर जाता है पूरा मिट्टी मिट्टी से। बट हाँ देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। और ऊपर का मेरा सारा सामान बाहर है, अभी तक भैया आए ही नहीं है, देखते हैं कि वो कब आते हैं। सारा मेरे को लगा मम्मी ने बुलाया, नहीं नहीं जब सारा वो भैया आएंगे तब सारा हमारे यहाँ का सेट होगा। और इधर का भी मेरा सारा सामान एज इट इज़ पड़ा है। चलो धीरे धीरे अब सारा हो ही जाएगा, झाड़ू पोछा हमने करवाए थे ना चाची से उस दिन, तो सारा घर पूरा क्लीन होगा, देखो पूरा साफ है बस। जब ओहो ये वाली खिड़कियाँ बंद नहीं करिए, जब इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना तब ऐसे लगता है कि घूम 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 ऐसे घूमती है हवा। ये मम्मी सो बंद करके, मैंने मम्मी आप बंद करके, मैं नीचे बिजी थी तो मम्मी ये वाले बोल गए, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ ये वाले बोला था। हवा से इतनी मिट्टी आती है ना, फ़ौरन फ़ौरन हवा चलती है, मुझे ये वाली हवा नहीं अच्छी लगती। वैसे देखने में मौसम अच्छा लगता है, काफ़ी प्लेजेंट सा हो गया है, बट गर्न 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 इतनी हवा चलती है, लाइट फ्लक्चुएट होती है, कितना कुछ होता है ऐसी हवा में, ये वाला अजीब सा लगती है मेरे को। चलो ये अच्छा साथ वाली भी खुली हुई है यार। और यहाँ के लिए ना मुझे कर्टन देखना है, मुझे यहाँ के लिए कर्टन देखना है, मुझे ना वो सामने जो है ना वहाँ के लिए भी कुछ चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि वहाँ पे क्या लगा सकते हैं। वैसे तो वो खुला अच्छा लगता है, बट ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ छोटा मोटा मतलब कुछ चीज़ या ब्लाइंड्स लगाऊँ वहाँ पे, देखते कि वहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ। खिड़कियाँ बंद करो, यही होता है जब बारिशें होती है ना और जब ऐसे तूफान सा मौसम होता है। ये क्या हो गया, तूफान सा मौसम होता है तो यही होता है, खिड़कियाँ बंद करो, रात को उठ के खिड़कियाँ बंद करो, मेरे को बड़ा वो लगता है। चलो जी हो गई हमारी खिड़कियाँ बंद, अब हम होंगे थोड़ा सा तैयार, क्योंकि नहाने के बाद तैयार होना तो बनता है। आ मम्मा पैर, यार पैर को हल्का सा भी मोड़ू ना उसी टाइम घूमता है। और ये हमारा गीजर है यहाँ पे जो अभी तक नहीं लगा, क्योंकि जब भाई आएंगे तभी लगेगा। ये मुझे ना पहले भी पिंक बिंदी बहुत अच्छी लगती, पिंक एंड ऑरेंज, तो मैंने आज हल्की सी लगा ली, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि प्रीति बिंदी लगाई बड़ी अच्छी लगती है। अभी धीरे धीरे सब चीज़ें करने का मन हो रहा है, पहले एक बीच में टाइम था जब मेरा सब कुछ करने का कुछ मन नहीं करता था मेरा, बट अभी मैंने सोचा कि नहीं दोबारा से रेडी होके रहना है, अच्छे से तैयार होकर रहा करूँगी और अब हमेशा ऐसी रहा करूँगी। और पहले ना यार ऐसा भी होता था ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता था कि मैं रेडी भी हूँ, और क्योंकि बंदा बहुत बिजी रहता है ना अपनी लाइफ में, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते भी हो, तो इसीलिए फिर मैं अपने आप पे टाइम दे भी नहीं पाती थी। एंड मुझे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैं रेडी नहीं हो पाती थी, मैं अपने आप पे टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि जो काम मुझे करना था वो मैं बहुत बहुत बखूबी कर रही थी, तो इसीलिए आई एम हैप्पी। और ये वाले इयररिंग्स का ना आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्रीति आपने कहाँ से लिया है, सो ये मैंने लिए हैं मिंत्रा से ऑनलाइन,
ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। जब मैंने मंगवाए मेरे को लगा यार कैसे हैं, मेरे को इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्थ है जो मैंने लिए हैं, ये बहुत सही लगते हैं पहने हुए, और मेरे को ये काफ़ी अच्छे लगे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कहते हैं ना इनको, आई थिंक। मैं ऐसे सोच रही कि मैं और भी मंगवाऊंगी। ये डिब्बी में छोटे छोटे अपने सारे झुमके वगैरह जो भी है वो रखा हुआ, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज करने वाला मेरे सारा ये वाला स्पेस। और यार हम क्लचर लेके आए थे, वो सारे क्लचर मैंने पता नहीं कहाँ रखे हैं, और हमारा पता करते कभी मैं नीचे जाके तैयार होती हूँ, कभी मैं यहाँ पे तैयार होती हूँ। और ये है शॉप मलमल की बिंदियाँ, इसमें से येलो बिंदी भी है, छोटी बिंदी लगाई हुई ना, मेरे फेस पे इतनी अच्छी नहीं लगती अगर मैं इसके ऊपर से वैसे लगाती हूँ, इतनी सी बिंदी मेरे फेस पे अच्छी लगती है, या तो बिल्कुल ही छोटी सी बारीक सी वो अच्छी लगती है, या फिर इतनी सी। और हाँ यार मैं अपना काफ़ी सारा सामान ढूंढ गई थी, भूल गई थी, मैं सारा सामान उठा उठा के ऐसे अपने पॉकेट में डालती रहूँगी। और क्लचर नहीं मिल रहा कहाँ पे मेरा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। और ये देखो बस नेल पेंट रिमूवर्स है, तो डबल डबल सामान हो जाने, फिर से मुझे सामान लेके आना पड़ेगा नीचे को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल थोड़े से ना लंबे हो रहे हैं, लंबे। मैंने ना यार अपना ना एक वो देखा था वीडियो, चलो अभी हम इस टॉपिक पर बातें कर सकते हैं, क्योंकि कब तक अपने ज़िंदगी के हम उस हिस्से से भागेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। मैं आपको एक सच में बात बताती हूँ, मुझे ना ऐसा लगता है, लगता था पहले कि अभी भी कभी कभी लगता है, बट अब इस स्टेज पे आके मुझे लगता है कि नहीं प्रीति तुझे सब कुछ करना चाहिए, कि तू तो ऐसे भाई वर्मा मैंने इसे टांग ऐसे करके रखी है ना, देखो एकदम से हुआ कि नी पे वो पेन है, जो मेरी नी पे वो हो रहा है ना, तो उस पर थोड़ा सा वो आ गया है, मतलब थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। हाँ तो मैं ये बात कर रही थी कि ना अब मैं इस टॉपिक पे बातें कर सकती हूँ। ऑब्वियसली यार एक बंदे की शादी हुई है और प्रॉपर सब चीज़ें हुई है, तो मुझे क्यों नहीं उस टॉपिक पे बात करना चाहिए। मुझे हमेशा से लगता है जब मैं कुछ बात करूँ शादी के बाद, या फिर शादी के बाद की कोई फ़ोटोज़ डालूँ मैं अपनी, तो मुझे लगता है कि मैंने क्यों ये कर दिया, मैंने क्यों डाला, कि शादी तो हुई है ना, तो मुझे पूरा हक है उस चीज़ के बारे में बात करने का, मुझे रेडी होने का पूरा हक है, मुझे अच्छे से तैयार होने का पूरा हक है। मैं उन चीज़ों को बात करने मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही थी अपने बालों की, मेरे सबसे लंबे जो बाल हैं आज तक के वो तब हुए थे मेरी शादी के बाद, तब मेरे बाल ना बहुत लंबे लंबे थे। अगर आप लोगों ने मेरी शादी का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देखना, मैं उसका जो है, वैसे तो आप मेरे वीडियोज में जाकर देख सकते हो। शादी के बाद मेरे बाल बड़े लंबे लंबे हो गए थे एकदम से, मैंने स्ट्रेट भी करवाए थे एंड तब मेरे बाल थोड़े से घने भी थे। अब जो बाल मेरे ख़राब हुए ना आफ्टर डिलीवरी हुए हैं, बट ठीक है अब दोबारा से मैं ठीक कर लूँगी, और मेरी अपनी लापरवाही भी है ना कि मैं बालों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाई तब खराब हो गए मेरे, तब बाल बहुत लंबे लंबे थे। और दूसरी बात मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसे मैंने बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मुझे सच में एक टाइम भी आकर मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर डार्क कलर्स पहनूंगी तो लोग बोलेंगे कि देखो इसको कितनी खुशी चढ़ी हुई है और ये डार्क कलर पहन के बैठी है, जबकि अब मुझे लगता है कि ये सब तो मेरा हक है ना, मेरा फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ मतलब क्या इस चीज़ को मैं बोलूँ कि ये मैं पहन सकती हूँ एंड मुझे पहननी चाहिए, बिंदी भी लगानी चाहिए, मुझे सब कुछ करना चाहिए, मुझे सारा मेकअप भी करना चाहिए, बट मैंने छोड़ दिया। क्यों पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया, समय हालात सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बट अब दोबारा से मैं सारी चीज़ें किया करूँगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको अच्छा लगता है ना वो आपको करना चाहिए। और जैसे मैं शादी के बाद की अपनी वीडियोज़ देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि प्रीति यार ये तू ही थी क्या, तो तब से अब मैं तूने सब कुछ, जैसे मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, जैसे काजल लगाना ही है मेरे डार्क सर्कल तो पहले भी थे, बट पहले भी मैं काजल लगाती थी और बहुत सुंदर भी लगता था काजल लगाया हुआ, अब मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे करना बंद कर दिया, बट अभी जब मैं दोबारा से काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं पूछते हैं कि प्रीति आप मैं एग्जैक्ट में एक्चुअल में बताओ कि हो क्या रहा है, एग्जैक्ट चीज़ें चल क्या रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते वीडियोज़ में, एंड वीडियोज़ में बोलने की बात बहुत अलग होती है, जो चीज़ें एक्चुअल में होती है ना वो बहुत अलग होती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यूट्यूब पे सारी चीज़ें बिल्कुल सच नहीं होती, हम उतना ही दिखाते हैं जितना हमें लगता है कि दिखाना चाहिए, जितनी
मतलब 10-15 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, अपना खाना वाना बनाया, खाया, शॉपिंग करी, घूमे फिरे, कुछ और जिंदगी में हो गया, अच्छा बुरा हो गया, वो दिखाते हैं। बट हम बहुत सारा हमारा जिंदगी का हिस्सा होता है वो हम दिखाते ही नहीं है। तो जब जिन लोगों के साथ हम रोज रहते हैं उनको पता है कि हमारी जिंदगी में एक्चुअल चल क्या रहा है। तो कई बार हम बहुत परेशान होते हैं बट हंसते होते हैं, क्योंकि व्लॉग तो बनाना है तो उसमें तो हमें खुश रहना होगा, ऐसे होता है। और जो चीज़ें जैसे हम यूट्यूब पे बहुत कुछ बोलते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, हम ये हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। सच तो ये है ना कि जो ऑन पेपर चीज़ें होती है ना बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम कुछ और स्टैंड लेके बैठे हैं, कोर्ट में स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट होता है बंदे का। अगर आप सोचो कि यहाँ पे प्रीति ये हो गया वो हो गया, जैसे रिसेंटली एक चीज़ भी आई थी कि ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जब मैं कोर्ट में गई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव थी, मतलब मैं सोच के हैरान थी, मैंने कहा यार ये तो ऐसा होने वाला था बट वो नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि भगवान ने कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही लिखा है। और अब मैं बताती हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी है, मतलब मेरी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होने वाली है, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि कोर्ट में यही चल रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और उसको अच्छा होने में कितना टाइम लग सकता है, मैं आपको कितना टाइम बता सकती हूँ। जैसे अप्रैल में हमारी हियरिंग है, तो अभी 6 तारीख को भी हमारी हियरिंग है यहाँ पे लोकल कोर्ट में, तो कितना टाइम लग सकता है, 3 महीने 4 Within 6 months आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैं सच में आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें जैसी हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं कभी भी कोर्ट हियरिंग्स ये सब चीज़ों के बारे में मैं कभी नहीं बोलती थी, बट अभी एक सही टाइम है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा वेट था कि प्रीति सब कुछ अच्छा कब होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और अब मैंने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, सारी चीज़ों पर मिट्टी डाल के मैं आगे अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी फिर से अच्छी हंसी खुशी बिताना चाहती हूँ। और ना बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, वो चीज़ें हो सकता है वो सच भी हो सकता है वो सच ना भी हो, तो मैं तब तक बिलीव नहीं करती हूँ जब तक मैं अपनी आँखों से कुछ देख नहीं लेती हूँ। बाकी लोग जब कहते हैं ना कि घर बसते हैं तो लोग तोड़ने के लिए बहुत जल्दी आके आ जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारे लोगों की कोशिशें होती हैं, बट उन सब कोशिशों को नाकाम करके हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और खुश रहना है। और ज़िंदगी में मतलब अब इतना कुछ देख लिया मैंने, अब इससे ज़्यादा देखना कुछ बाकी नहीं है। तो अब मैं सोचती हूँ कि भगवान ने जो मेरी लाइफ में लिखा है उसको मैं एक्सेप्ट करूँ और फिर से एक ट्राई करूँ, क्योंकि यार एक माँ होती है, बच्चा गलती कर दे माँ छोड़ थोड़ा ना देती है, भाई गलती कर दे तो बहन ही छोड़ थोड़ा ना देती है, चाहे भाई बहन गलत भी हो, अपना बच्चा गलत भी हो, लेकिन माँ उसको कभी नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही मैं मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक गलत रास्ते पे जा रहा है तो दूसरे का धर्म बनता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने पार्टनर को सही रास्ते पे वापस लेके आए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही रास्ता दिखाऊंगी सबको और एक हंसता एक हैप्पी लाइफ जो होती है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगी। बस भगवान जी कृपा रखना, सबको सबका प्यार मिलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। कई बार हमारी ना हमारी ग्रह चाली ऐसी होती है, मुझे किसी ने कहा था कि ग्रह चाली ऐसी होती है प्रीति, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लिखी होती है। और मुझे भी यही लगता है कि जो हमारा बुरा टाइम था वो हमारा चला गया है, अब हमारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और मुझसे जो भी बन पाएगा मैं सब कुछ करूँगी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। सो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यही पेंड करती हूँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी और तूफान चल रहा है इतना सारा, इस बार हम इस तूफान की चपेट में नहीं आएंगे, इस बार हम इस तूफान को मात देके आए। मम्मा पहले गोटा तो ठीक कर लूँ यार, अम्मा फिर तूफान से लड़ूंगी मैं। खैर तूफान से लड़ने का टाइम नहीं है अभी, प्यार से आराम से पेशेंस के साथ सब चीज़ें हैंडल करने का टाइम है और जो वक्त है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं कि दिन ओ ना रहे तो दिन ए भी नहीं हो रहेंगे, कुछ ऐसे ही चली हमारी ज़िंदगी। अब क्या करेंगे हम, जाके अब नीचे जाएंगे, एक कप चाय बनाएंगे, मम्मी को पिलाएंगे, सबको चाय पिलाएंगे, उसके बाद हम अपना वीडियो एडिट करेंगे। और ज़िंदगी में सब कुछ कब अच्छा होगा उसका वेट कर रहे हैं। सच में ना टू बी ऑनेस्ट मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि भगवान जी अगर सब कुछ अच्छा आपने करना है ना तो फिर जल्दी क्यों नहीं कर रहे।
मैंने जस्ट अभी चाय रखी आई हूँ और मैंने लिप बाम तो लगाया ही नहीं था, तो वो लगा के गैस मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे कर दिया है। और कितनी ज़्यादा वो हो रही है यार, हवा हवा सामने थोड़ा सा मुझे सन दिख रहा है बट ज़्यादा नहीं। और अरे मामा यहाँ पे झूले पे कितने दिन के बाद बैठे हैं। मैंने को झूला पहले जब वहाँ झूला था ना अंदर तब हम बहुत झूले बैठते बट अब नहीं बैठना होता है। और इस व्लॉग को भी यहीं पेंड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ एंड कभी कभी लगता है कि यार मैं सारी चीज़ें खुल के ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट क्योंकि कुछ ना कुछ वो होती है ना लिमिटेशंस होती है कि आपको इतनी बात करनी है इतनी नहीं करनी है। और वैसे मैं आपको एक ज़िंदगी का ना, अब जितनी भी मेरी ज़िंदगी है मैंने ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें देखी है इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आप हो ना जो आप किसी को बदल नहीं सकते हो, और कोई इंसान जैसा है आपको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे ना तो उस इंसान को लगेगा कि यार ये तो मेरा बुरा चाहती है या फिर ये मुझ पे चीज़ें इम्पोज कर रही है। तो जो इंसान जैसा है ना उसको वैसा रहने दो, बट उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, उसको बदलने की बजाय अपने आप में बदलाव करो, अपने आप में ये बदलाव करो कि यार सामने वाला जो बंदा है ना ये ऐसा ही रहने वाला है, अब मुझे ही इसके साथ रहना है, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो। तो ऐसे मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने कितने लोगों से मैं अपनी ज़िंदगी में मिली हूँ, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं चाहे कुछ भी है, चाहे आपकी सहेलियाँ हो आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको बदल नहीं सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप अपने आप को बदलोगे थोड़ा सा तो आप ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। तो इसके साथ ही वीडियो को भी यहीं पेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब